एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे पर रामनवमी पर्व को लेकर भव्य शोभा यात्रा कस्बे में निकाली गई, जिसमें तरह तरह की झांकियों का प्रदर्शन किया गया। वहीं पूरे कस्बे पर सभी झांकियों को लाइन वार विभिन्न सड़कों पर यात्रा निकाली गई। वहीं रामनवमी पर आई झांकियों को कस्बे में जगह जगह पांडाल लगाकर फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। मामला बबेरू कस्बे का है, जहां बबेरू कस्बे में रामनवमी पर्व पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। कस्बे के लोगों ने जगह जगह पांडाल बनाकर फूलों की वर्षा कर झांकियों का स्वागत किया। वहीं जगह जगह पांडालों पर शोभा यात्रा में राम भक्तों को प्रसाद वहां पानी की व्यवस्था की गई। यह शोभा यात्रा बबेरू कस्बे के कामसीन रोड रामलीला मैदान से शुरू हुई है। उसके बाद मुख्य चौराहे से अंतरा रोड, बांदा रोड, नहर पटरी, तिंदवारी रोड, ओगासी रोड, सुंदर कुआ से होकर पुरानी तहसील रोड, रोडवेज बस स्टैंड से होकर पुनः रामलीला मैदान पर शोभा यात्रा का समापन किया गया। शोभा यात्रा में चित्रकूट धाम से पधारे मदन दास महाराज, विधायक चंद्रपाल, कुशवाहा जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल, विजय विक्रम सिंह, किसान सहकारी समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह पटेल, राम लखन चौरासी, आशीष गुप्ता, कानपुर बुंदेलखंड क्षत्रिय कार्य समिति सदस्य प्रति गुप्ता, जिला मंत्री चेयरमैन विजय पाल सिंह, ब्रजमोहन सिंह, चंद्रमोहन श्रीवास्तव सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कस्बे व क्षेत्र में राम भक्त हजारों की संख्या में मौजूद रहे। वहीं रामनवमी शोभा यात्रा पर सुरक्षा की दृष्टि से बबेरू पुलिस क्षेत्र अधिकारी, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज सिंह, कस्बा इंचार्ज तुषार श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में पुलिस बल व महिला कांस्टेबल मौजूद रही। किस प्रकार की यात्रा रही है ये शोभा यात्रा? यात्रा पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को और सभी जनता जनार्दन को धन्यवाद देता हूँ और रामनवमी के उपलक्ष्य में सभी को बधाई देता हूँ। ये यात्रा बहुत अच्छी रही। मैं सोचता हूँ कि प्रतिवर्ष जो रामनवमी के रूप में झांकी निकाली जाती है, तो झांकियाँ एक ऐसा रूप प्रदर्शित करती हैं कि हमारे एक हिंदू सनातन धर्म कायम रहे। ये झांकियाँ जो तैयार की जा रही है सुधीर कुमार कुशवाहा वर्तमान आपके जिला पंचायत सदस्य द्वारा तैयार की गई है। मैं सोचता हूँ कि उमानंद जी के नेतृत्व में और ये सभी झांकियाँ एक हर प्रतिवर्ष निकाली जाती हैं। झांकियाँ एक सबको एक देती हैं, प्रेरणा देती हैं कि हम सब सनातन धर्म को माने और राम के आदर्शों पर चलें, इसीलिए झांकी निकाली गई। रामलीला मैदान से चल करके चौराहे उतु यतारा रोड, बांदा रोड, अवासी रोड, तेंदुआई रोड से अवासी रोड तक निकाली जाएगी। अवासी रोड से दोबारा इस बाजार से होते ही यही रामलीला हमें समापन किया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की जिला मंत्री हूँ। किस प्रकार से आज ये कार्यक्रम चल रहा है? आज रामनवमी के उपलक्ष्य में आज हमारे दरवाजे में महाप्रसाद वितरण किया गया है। आज मैं आने हुए सभी भक्तों का मैं आदर स्वागत करती हूँ। शोभा यात्रा पर निकाली जा रही है, कहाँ से शुरुआत की गई? देखिए, आज राम जन्मोत्सव के अवसर पर बबेरू प्रांगण में ये मढ़ीदाई माता मंदिर से शोभा यात्रा कमासिन रोड होते हुए, अतर्रा रोड होते हुए, सुंदर कुआं होते हुए फिर से समापन मढ़ीदाई मंदिर में होगा। और यह है राम भक्तों के द्वारा भव्य शोभा यात्रा आज जन्मोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और पूरे देश में यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है और भव्य तरीके से सभी लोग आज पर्व मना रहे हैं। और आज प्रभु श्री राम का एक संदेश भी है पूरे सर्व समाज के लोगों के लिए कि मर्यादित रह करके आप सभी लोग रहिए और निश्चित